ओके सर, हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो है कलर से रिलेटेड। आप लोग का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर, अगर हमारे पास हीना कोटेड हेयर्स या फिर डाई लगाए हुए क्लाइंट आए तो हम उसे उनके डिजायर शेड के हिसाब से कलर कैसे करें। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है पूरा डिटेल में है और पूरा आप लोग को नॉलेज मिलेगा। मैं आप लोग के लिए कलर से रिलेटेड एक केस स्टडी लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोग पता कर पाओगे कि अगर हीना कोटेड हेयर या फिर कास्टिंग लगे हुए हेयर्स, डाई हेयर्स आप लोग के पास आए तो क्लाइंट के डिजायर शेड के हिसाब से उन्हें कैसे कलर किया जाए। तो पूरा डिटेल में देखेंगे दोस्तों। और अगर आप लोग को कलर व्हील के बारे में नॉलेज नहीं है तो कलर व्हील के बारे में भी मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा नॉलेज दे दूंगा, जिससे कि आप लोग को पता चल जाएगा कि इन टाइप्स के हेयर्स जब आते हैं हमारे पास तो हमें किस तरह से कलर करना है। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा नॉलेज वाला वीडियो आज का होने वाला है। आज का जो कलर रिलेटेड स्टडी है, इससे आप लोग समझ पाओगे कि आप लोग का डिजायर शेड किसी भी टाइप्स के हेयर्स आप लोग के पास आए, आप लोग बहुत ही आसानी से कलर कर पाओगे। तो दोस्तों, प्यार दिखाइए आप लोग अपना। हम इतना ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो लेकर आ रहे हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी अपना प्यार दिखाए। तो चलिए चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पर और देखते हैं हमें कि इस केस स्टडी को किस तरह से सॉल्व किया जाए कि हमारा हेयर्स हमें डिजायर शेड के हिसाब से हमें मिल पाए। तो चलिए चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पर। ओके सर, चलिए शुरू करते हैं हमारा पूरा प्रोसेस। जब आप लोग के पास हीना कोटेड वाले हेयर्स, डाई हेयर्स या फिर कलर कास्टिंग वाले हेयर्स आए, तब आप लोगों को किस तरह से पूरा प्रोसीजर करना है आपके कलर का। आप लोग के पास कलर करने का डिजायर शेड कोई भी हो, चाहे 7.3 हो, चाहे 7.4 हो, चाहे 7.35 हो, कोई भी टाइप का ग्लोबल कलर अगर आपके क्लाइंट ने चॉइस किया है तो आप लोग इस प्रोसीजर से पूरा आप लोग ग्लोबल कलर आप लोग के क्लाइंट के डिजायर शेड के हिसाब से कर पाओगे। चाहे हेयर्स में कुछ भी लगा हुआ हो, कितना भी कलर लगा हुआ हो, बस ये प्रोसीजर आप लोग पूरा प्रॉपर तरीके से देखिए और समझिए किस तरह से करना है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, तभी दोस्तों आप लोग को पूरा प्रोसीजर समझ में आएगा। और हाँ, इसमें कलर नॉलेज के बारे में मैं आप लोग को कलर व्हील के बारे में भी बताऊंगा कि इसमें जो कलर व्हील है वो कलर व्हील के ही मदद से हम लोग किस तरह से हम हमारा कलर कर पाएंगे। तो ये शुरू करते हैं हमारा पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने टाइटल दिया है हीना कोटेड हेयर्स पर 7.3 कलर कैसे करें। तो फिलहाल हम लोग 7.3 का एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, उसी के तौर पे आप लोग कोई भी टाइप्स का ग्लोबल कलर कर पाओगे। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि आप लोग का बेस कलर क्या है, आप लोग के क्लाइंट का जो हेयर का बेस कलर क्या है। हीना कलर भले ही लगाए लेकिन उनका बेस कलर जो न्यू ग्रोथ आता है वहां से आप लोग पता कर सकते हो, या फिर आप लोग हेयर्स देखोगे तो आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे, अगर समझ लीजिए क्लाइंट का जो बेस कलर है वो है 3 नंबर का बेस कलर। 3 नंबर का जब बेस कलर हो और हमारे पास वर्जिन हेयर हो तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वर्जिन हेयर से, देन उसके बाकी के जो हमारे पास हेयर है वो वाले हेयर्स देखेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग को वर्जिन हेयर पर किस तरह से करना है वो प्रोसीजर समझ लीजिए, उसके बाद इजी हो जाएगा आप लोग को समझने के लिए। जब वर्जिन हेयर आप लोग के पास आए और उसका बेस कलर 3 नंबर है तो आप लोग को सबसे पहले करना है क्लेरिफाई शैम्पू से अच्छी तरीके से वॉश करना है। 1 से 2 बार वॉश कर लीजिए, क्योंकि वॉश करते ही आपका जो क्यूटिकल है वो अच्छी तरीके से ओपन हो जाएगा और आप लोग आसानी से उनके हेयर्स पर ला सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग शैम्पू कर लेंगे। शैम्पू करने के बाद में आप लोग को लेंथ पर लगाना है 7.3 40 वॉल्यूम से, क्योंकि ओरिजिन हेयर है और तो आप लोग को 3 से 4 लेवल तक लिफ्ट करना है। तो 3 नंबर का बेस कलर है और आप लोग 40 वॉल्यूम यूज करोगे तो 7.3 से बहुत ही बेहतरीन सा कलर आ जाएगा। और आप लोग ये मत सोचे कि 40 वॉल्यूम से हेयर ड्राई हो जाएंगे, नहीं, हेयर ड्राई नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके जो हेयर है, जो 3 नंबर के हेयर होते हैं वो काफी ज्यादा डार्क कलर के होते हैं। तो डार्क कलर के अगर वर्जिन हेयर 3 नंबर के हैं तो आप लोग 40 वॉल्यूम यूज करिए, हेयर ड्राई बिल्कुल नहीं आएगा, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो लेंथ पर अच्छी तरीके से आप लोग 7.3 का 40 वॉल्यूम के साथ में एप्लीकेशन करोगे और रूट पर आप लोग को 40 वॉल्यूम यूज नहीं करना है, आप लोग को सिर्फ लेंथ पर करना है। लेंथ पर जब आप करोगे तो 3 नंबर जैसे कि मैंने बताया काफी डार्क हेयर है, तो अच्छी तरीके से आप लोग का 7.3 तक आप लोग का 40 वॉल्यूम से आ जाएगा डिजायर शेड। लेकिन जब आप लोग को रूट पर करना हो तो रूट पर आप लोग को 7.3 में आप लोग को मिलाना है 5 नंबर। 5 नंबर इसलिए मिलाना है क्योंकि 5 नंबर से जो हमारा ग्रे हेयर्स होंगे रूट में वो अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि 3 नंबर का बेस हेयर है तो रूट पर थोड़ा सा डार्कनेस वाला 5 नंबर भी आ जाएगा, जिसकी वजह से एक मर्ज वाला लुक दिखेगा। तो 7.3 प्लस 5 नंबर मिक्स करना है और 20 वॉल्यूम से आप लोग को एप्लीकेशन कर देना। तो ये तो हो गया हमारे वर्जिन हेयर्स को कलर किस तरह से करना है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि हीना कोटेड हेयर, डाई हेयर या फिर कलर कास्टिंग वाले जो हेयर्स होते हैं उस पर हमें किस तरह से एप्लीकेशन करना है कि 7.3 हमारा जो डिजायर शेड है हमारे क्लाइंट का वो अच्छी तरीके से आ पाए। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग को, जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल लेता हूं कि बेस कलर उनका भी 3 नंबर का है, तो जब 3 नंबर का उनका बेस हेयर है तो 3 नंबर के हेयर्स पर सबसे पहले तो आप लोग को, जैसे कि मैंने बताया,
अच्छी तरीके से आप लोगों को करना है शैम्पू। शैम्पू आप लोगों को 2 बार कर लेना है, क्योंकि जितना हो सके कोशिश करिए कि डाई कलर या फिर हिना जो भी है वो थोड़ा सा हाइड हो पाए, थोड़ा सा माइल्ड हो पाए। क्योंकि जब शैम्पू करते हैं तो क्यूटिकल ओपन होते हैं, तो जो भी कोटिंग हुए कलर्स या फिर डाई होते हैं वो बहुत ही जल्दी से निकलते हैं। तो आप लोग को 2 से 3 बार शैम्पू कर लेना है, कम से कम 3 बार शैम्पू करिए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो 3 बार जब आप लोग शैम्पू कर लो, आप लोग को बालों को अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना है, और उसके बाद में आप लोग को ब्लॉन्डर प्लस शैम्पू उसे मिक्स करना है 20 वॉल्यूम में या फिर 30 वॉल्यूम में। आप 20 वॉल्यूम में यूज करना है या फिर 30 वॉल्यूम में, ये आप लोग के हेयर्स पे डिपेंड करता है कि हेयर किस टाइप का है। हेयर्स अगर पतले हैं थीन है तो 20 वॉल्यूम से भी आप लोग का अच्छी तरीके से 4 to 5 लेवल तक लिफ्ट हो जाएगा। बट अगर हेयर्स थोड़े से ज्यादा हार्ड है, थोड़े थीक है, तो आप लोग 30 वॉल्यूम भी यूज कर सकते हो। और हाँ, हेयर्स चेक करते रहिए। हम ब्लॉन्डर के साथ शैम्पू मिक्स करेंगे तो हमारा जो ब्लॉन्डर है एक माइल्ड पेस्ट तैयार होगा, जो हमारे हेयर्स को ज्यादा ड्राई नहीं करेगा और एक 5 to 6 लेवल तक अच्छा सा लिफ्टिंग आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग को 20 या 30 वॉल्यूम कब मिक्स करना है वो आप लोग का हेयर पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद अच्छी तरीके से आप लोग उसे वॉश कर लेना है। जब वॉश हो जाए तब आप लोग को ड्राई करने के बाद में लेंथ पर आप लोग को यूज करना है 7.3 प्लस ब्लू कलर। ब्लू कलर, ब्लू कलर आप लोग को क्यों यूज करना है, अब मेन आप लोग को यहाँ पर जो कलर व्हील आता है वो कलर व्हील यहाँ पर आप लोग को मेन हेल्प करेगा। तो कलर व्हील के बारे में नॉलेज रहना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि कलर व्हील के बारे में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा प्राइमरी कलर होता है रेड, येल्लो और ब्लू। प्राइमरी कलर जो कि हमें गॉड गिफ्टेड है, हम बना नहीं सकते, नेचुरली हमारे हेयर्स में होते हैं रेड, येलो और ब्लू। और प्राइमरी कलर से मिलकर जो बाकी के कलर तैयार होते हैं उसे बोलते हैं सेकेंडरी कलर, जैसे कि ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट। और ये जो कलर है प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर, ये एक दूसरे को अपोजिट में कट करते हैं, और कट करने के बाद में यहाँ पर बनता है ब्राउन कलर। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि हम जब इसे 5 to 6 लेवल तक लिफ्ट करेंगे तो ऑरेंज शेड मिलेगा, और ऑरेंज शेड को कट करने के लिए हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा ब्लू। तो जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया कि हम ले रहे हैं ब्लू, तो ब्लू इसीलिए लेंगे कि जब हम ब्लॉन्डर करेंगे तो ऑरेंज शेड आएगा, तो ऑरेंज शेड को ये ब्लू कट कर पाएगा और 7.3 जो हमारा डिजायर शेड है वो अच्छी तरीके से आ पाएगा। तो 7.3 में प्लस ब्लू कलर मिलाना है। 7.3 में ब्लू कलर जो मिला रहे हो, ब्लू कलर इतना भी ज्यादा नहीं मिलाना है कि डार्क टोन हो जाए। आप लोग को नॉर्मल से आप लोग को मिक्स करना है, देन उसे आप लोग को डिपॉजिट करना है 20 वॉल्यूम से। 20 वॉल्यूम से आप लोग डिपॉजिट करिए, और फिर रूट पर आप लोग को थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, रूट पर आप लोग को 7.3 लेना है प्लस उसके साथ ब्लू कलर भी लेना है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को बेस कलर 5 या फिर 4 नंबर भी लेना है, क्योंकि रूट टचअप भी करना है, ग्रे हेयर्स भी है, तो उसे अच्छी तरीके से कवर कर पाए। आप लोग 5 नंबर या फिर 4 नंबर दोनों में से कोई भी बेस शेड यूज कर सकते हो, बट ज्यादातर आप लोग 5 नंबर ही यूज करिए, नेचुरल शेड एक आता है। तो आप लोग देखिए, पहले चेक करिए कि कितना ज्यादा ग्रे हेयर्स का परसेंटेज है। अगर ज्यादा ग्रे हेयर्स के परसेंटेज है आप लोग 4 नंबर भी यूज कर सकते हो, और उसे आप लोग को 20 वॉल्यूम से ही डिपॉजिट करना है। तो जब भी आप लोग कलर डिपॉजिट करिए, जब आप लोग ने ब्लॉन्डर कर दिया है, ब्लॉन्डर करने के बाद में जब भी कोई भी टाइप्स का आप लोग को कलर डिपॉजिट करना हो, यहाँ पर ही नहीं कहीं पर भी कोई भी टाइप्स का कलर डिपॉजिट करना हो, तो 20 वॉल्यूम से ही आप लोग को डिपॉजिट करना है। तो आई होप कि आप लोग को ये पूरा क्लियर हो गया होगा, और कलर व्हील के बारे में भी आप लोग को समझ गया होगा। कलर व्हील का मैं फिर से आप लोग का एक बार क्लियर कर देता हूँ। रेड, येलो और ब्लू ये हमारे प्राइमरी कलर है, ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट ये हमारे सेकेंडरी कलर है, और ये एक दूसरे को अपोजिट में कट करते हैं। जैसे कि रेड को कट करता है ग्रीन, और येलो को कट करता है वॉयलेट, और ऑरेंज को कट करता है ब्लू, और जब ये दोनों एक दूसरे को जब कट करते हैं तब ये ब्राउन शेड में आता है, यानी कि जो ऑरेंज टोन है वो ऑरेंज टोन को कट करके ये ब्राउन शेड में लेकर आएगा। देन जो हमारा 7.3 है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा डिजायर शेड उस पर आ पाएगा। तो आई होप कि आप लोग को ऑरेंज टोन को किस तरह से कट करना है वो समझ में आ गया होगा, और हीना वाले कलर्स को और डाई वाले हेयर्स को और कलर कास्टिंग वाले हेयर्स को ये किस तरह से हम इसे पूरी तरीके से क्लीन करके क्लींजर की मदद से और एक हमारा जो डिजायर शेड है वो हम डिपॉजिट कर पाए। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को इतना ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो देने के बाद आप लोग को काफी कुछ जो भी डाउट थे आपके मन में वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है हेयरस्टाइलिस्ट रोहित, वहां पर आइए, मुझे क्वेश्चन करिए और आप लोग का जो भी डाउट है हम क्लियर करेंगे। और हाँ, थोड़ा सा रिप्लाई करने में लेट होता है क्योंकि काफी लोगों का मैसेज आता है, तो आप लोग थोड़ा सा रुकिए, वेट करिए, मैसेज आने का आपको रिप्लाई जरूर आएगा। तो चलिए, इसी तरह आप लोग के लिए नए नए वीडियो आते रहेंगे। जो भी स्क्रीन पर वीडियो आ रहे हैं वीडियो को क्लिक करिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, और नेक्स्ट आप लोग को किस चीज पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।